नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। इस तरीके से तुरंत सिद्ध हो जाते हैं मंत्र, जानिए रहस्य। दोस्तों, कोई मंत्र कब होता है सिद्ध? 1,00,000 बार जपने पर या कि 108 बार जपने पर सिद्ध हो जाता है? सिद्ध हो जाता है तब क्या होता है, यह तो सवाल आपके मन में जरूर होंगे। तो चलो इस बारे में बताते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, 1 वैदिक, 2 तांत्रिक और 3 शाबर मंत्र। पहले तो आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह के मंत्र को जपने का संकल्प ले रहे हैं। साबर मंत्र बहुत जल्द सिद्ध होते हैं, तांत्रिक मंत्र में थोड़ा समय लगता है और वैदिक मंत्र थोड़ी देर से सिद्ध होते हैं। लेकिन जब वैदिक मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और उनका असर कभी समाप्त नहीं होता है। मंत्र जप 3 प्रकार के हैं, 1 वाचिक जप, 2 मानस जप और 3 उपाशु जप। वाचिक जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मानस जप का अर्थ मन ही मन जप करना, उपाशु जप का अर्थ जिसमें जप करने वाले की जीभ या ओठ हिलते हुए दिखाई देते हैं लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई देती। बिल्कुल धीमी गति में जप करना ही उपांशु जप है। अब मंत्र के नियम इस प्रकार हैं। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है मंत्र का सही उच्चारण। दूसरी बात, जिस मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है उसका अर्थ पहले से लेना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए। प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि होती है। किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना चाहिए। इसमें किया गया जप शीघ्र लाभदायक होता है। जप का दशांश हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराना चाहिए। अब मन का तंत्र। मंत्र को सिद्ध करने के लिए पवित्रता और मंत्र के नियमों का पालन तो करना जरूरी है, साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि मंत्र को सिद्ध करने का विज्ञान क्या है। मन को एक तंत्र में लाना ही मंत्र होता है। उदाहरणार्थ, यदि आपके मन में 1,000 विचार चल रहे हैं, उन सभी को समाप्त करके मात्र 1 विचार को ही स्थापित करना ही मंत्र का लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपका दिमाग एक आयामी और सही दिशा में गति करने वाला होगा। जब ऐसा हो जाता है तो कहते हैं कि मंत्र सिद्ध हो गया। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो फिर मंत्र को सिद्ध होने में भी विलंब होगा। कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इसी तरह लगातार जप का अभ्यास करते रहने से आपके चित्त में वह मंत्र इस कदर जम जाता है कि फिर नींद में भी वह चलता रहता है और अंततः एक दिन वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। दरअसल मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वह सिद्ध होने लगता है। अब सवाल उठता है कि सिद्ध होने के बाद
क्या होता है या कि उसका क्या लाभ, मंत्र सिद्ध होने पर क्या होता है, मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है, मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है और मंत्र से किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जाता है। मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो उक्त मंत्र को मात्र 3 बार पढ़ने पर संबंधित मंत्र से जुड़े देवी देवता या अन्य कोई आपकी मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे भी कई मंत्र होते हैं जिनमें किसी बाधा को दूर करने की क्षमता होती है, तो उन्हें जपने से वे बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा है तो उस समस्या को मंत्र जप के माध्यम से हल कर सकते हैं। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। लगातार अच्छी भावना और विचारों में रत रहने से जीवन में हो रही बुरी घटनाएं रुक जाती है और अच्छी घटनाएं होने लगती है। यदि आप सात्विक रूप से निश्चित समय और निश्चित स्थान पर बैठक मंत्र प्रतिदिन मंत्र का जाप करते हैं तो आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही आप में आशावादी दृष्टिकोण भी विकसित होता है जो कि जीवन के लिए जरूरी है। अंत में मंत्र जिन्न के उस चिराग की तरह है जिसे रगड़ने पर उक्त मंत्र से जुड़े देवता सक्रिय हो जाते हैं। मंत्र एक प्रकार से मोबाइल के नंबरों की तरह कार्य करता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। 8 किन्नरी मंत्र देंगे हर सफलता, चमकाएंगे सौभाग्य। दोस्तों, साधारणतया किन्नर शब्द से बृहन्नला माना जाता है। यह बृहन्नला नहीं, ये देवताओं के लोक में गाने बजाने तथा मनोरंजन करने वाले देवताओं की शक्तियों से संपन्न होते हैं। किन्नरी यानी देवियाँ हिमाचल में एक स्थान है किन्नौर, जो इन्हीं के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से यह 8 होती है। यह शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवियाँ हैं जिनकी साधना से द्रव्य भोग दिव्य रसायन स्वर्ण वस्त्र अलंकार मिलते हैं एवं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अप्सराओं की तरह इनकी भी साधना की जाती है जो निम्नलिखित है। मंजू घोष किन्नरी 1 मास तक अमावस्या से पूर्णिमा तक साधना की जाती है तथा नित्य पूजन नैवेद्य बलि आदि कर्म किए जाते हैं। दिव्य रसायन व ऐश्वर्य देती है। इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम मंजू घोष आगच्छागच्छ स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जाप करें। मनोहारी किन्नरी उपरोक्त वर्णित तरीके से साधना पर्वत शिखर पर की जाती है तथा सभी मनोकामनाएं भार्या के रूप में प्रदान करती है।
इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम मनोहारी स्वाहा। सुभगा किन्नरी, उज्जट पर्वत शिखर पर साधना होती है तथा चंदन मिले जल से अर्घ देना पड़ता है। स्वर्ण मुद्राएं नित्य प्रदान करती है। इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम सुभगे स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जाप करें। विशाल नेत्रा किन्नरी, नदी के एकांत तट पर साधना की जाती है तथा भारिया बनकर नित्य स्वर्ण मुद्राएं देती है। इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम विशाल नेत्रे स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जाप करें। सुरती प्रिय किन्नरी, पवित्र नदी के संगम पर साधना होती है तथा वस्त्रालंकार तथा स्वर्ण प्रदान करती है। इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम सुरति प्रिय स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जाप करें। अश्वमुखी किन्नरी, निर्जन उज्जल पर्वत शिखर पर साधना से प्रसन्न होने वाली है तथा काम भोग ऐश्वर्य धन व स्वर्ण प्रदान करती है। इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम अश्वमुखी स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जाप करें। दिवाकरी मुखी किन्नरी, निर्जन पर्वत शिखर पर साधना की जाती है तथा भोग व ऐश्वर्य प्रदान करती है। इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम दिवाकरी मुखी स्वाहा। मंगला किन्नरी, नितांत एकांत में नदी के संगम या तट पर साधना की जाती है तथा अपनी इच्छा बताने पर पूरी करती है। इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम मंगला किन्नरी स्वाहा। मनुष्य अपना प्रयास अभीष्ट पूर्ति के लिए करता है, भाग्यवश उसे सफलता प्राप्त होती है, लेकिन तंत्र के माध्यम से देव कृपा प्राप्त कर वह अपनी इच्छा पूर्ण कर सकता है। आवश्यकता है केवल इच्छा शक्ति की तथा एक योग्य मार्गदर्शक की। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।